हेलो एवरीवन वेलकम टू दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ थाउजेंड फ्रॉम द दू पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था एक्चुअली दो दिन पहले क्योंकि मेरा वैक्सीनेशन हुआ था तो वैक्सीन लेने के बाद मुझे थोड़ा वीक लग रहा था थोड़ा जैसे एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मतलब शरीर से पूरा ताकत निचोड़ लिया हो सो दैट्स आई नॉट एबल टू मेक बट एंड बैक लेट स्टार्ट विदीडियो पहला वर्ड है प्रोविंशियल डेफिनेशन है ऑफ और कंसर्निंग ए प्रोविंस ऑफ ए कंट्री और एम्पायर ये देखिए ये दोबारा लिखा गया है इसका डेफिनेशन okay, हम इसको कट कर देते हैं ठीक है एक कंट्री मतलब एक देश या फिर एक राज्य का एक छोटा सा जगह को हम प्रोविंस कहेंगे जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम कोलकाता वॉज ए प्रोविंस ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोलकाता वॉज ए प्रोविंस फॉर वेस्ट बंगाल जैसे हैंगजो इट इज ए प्रोविंस ऑफ चाइना जो छोटा एरिया होता है छोटा सा एक शहर हम उसको पूरा टाउन भी नहीं कहेंगे एक छोटा सा शहर उसको हम प्रोविंस कहेंगे अगला वर्ड है रिब्यूक डेफिनेशन है एक्सप्रेस और क्रिटिसिज्म ऑफ बिकॉज़ ऑफ देयर बिहेवियर और एक्शंस ये भी दोबारा लिख दिया गया है इसका मीनिंग एक्सप्रेस डिसअप्रूवल किसी को मतलब बहुत ही बुरे तरीके से आप मना कर रहे हैं कोई आपके पास आया है एक बहुत अच्छा आइडिया लेके कि लुक इफ वी इन्वेस्ट इन दिस विद इन दिसवर्सलीस्ट टू हंड्रेड परसेंट ग्रोथ वी आर गोइंग टू सी अब बोलेंगे पांच साल में सिर्फ दो सौ परसेंट दैट इज योर गोल दैट इज ए वेरी बुलशिट गोल ठीक है वो बहुत ही बेकार तरीका का आइडिया है आप उसको खुल सबके सामने मतलब मना कर रहे हैं आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अरे ऐसा आइडिया तो क्या लाया यार इससे बेटर आइडिया तो मैं तुझे एक मिनट में दे दूंगा दैट इज रिब्यूक अगला वर्ड है लैम्बेस्टेड डेफिनेशन है क्रिटिसाइज समवन और समथिंग हार्शली देखिए अभी मैंने आपको बताया था रिब्यूक ठीक है आपने डिसअप्रूवल देखा है ठीक है आपने मना किया बट लैम्बेस्टेड मतलब क्या है आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्रिटिसाइज मतलब उसने आपको आइडिया नहीं दिखा है वो बोल रहा है देखिए अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं देन यू आर ए योर कलीग इज बी द कलीग ऑफ is बी इज पिचिंग एन आइडिया पिचिंग एन आइडिया वो एक आइडिया uh, मतलब दिखा रहा है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है ठीक है यू डोंट हैव टू प्ले ए पार्ट इन इट बट आप जाके क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस आइडिया इज जस्ट रॉन्ग ठीक है आप सभी के सामने मतलब ऐसा बोल रहे हैं अगर हमने ये आइडिया एक्सेप्ट किया देन आवर कंपनी इज गोइंग टू फेस ए बिग लॉस आप अपने आइडिया को बेटर दिखाने के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट इज अगला वर्ड है ब्लेयर। डेफिनेशन है मेक और कॉज टू मेक ए लाउड हार्स साउंड अभी कोई एक छोटा सा हॉर्न हॉर्न जो होता है ठीक है जैसे हम फायर हॉर्न बोलते हैं अगर कहीं आग लग गया या फिर हॉकिंग हॉकिंग हॉर्न हॉकिंग हॉर्न कैसा होता है वो ऐसे होगा ठीक है उस पर एक रबर पार्ट होगा दिस पार्ट इज रबर और ये जब आप दबाएंगे तो यहां से आवाज आएगा ठीक है दैट इज ए हॉकिंग हॉर्न ठीक है अगर वो आप किसी के कान के पास लेके बजा देते हैं पूरा जोर से हॉक करते हैं देन दैट विल मेक ए साउंड विच यू रिकॉर्ड प्लेयर वहां एक ऐसा ध्वनि वो क्रिएट करेगा जिसको हम ब्लेयर कहेंगे जैसे एम्बुलेंस का साइरन होता है दैट इज ए ब्लेयर वो आपको चौंका देता है आपको सतर्क कर देता है कि हाँ नहीं एक एम्बुलेंस आ रहा है और मुझे थोड़ा साइड हो जाना चाहिए पुलिस का साइरन भी उसको हम ब्लेयर कहेंगे अगला वर्ड है टिंकल डेफिनेशन है मेक और कॉज टू मेक ए लाइट क्लियर रिंगिंग साउंड लाइट यहां देखिए एक विंड चाइम Wind chime. जो हम घर में लगाते हैं ताकि जब हवा हो उससे एक सुरीला आवाज पैदा हो ठीक है वो जिंगल का जो आवाज होता है वो जो रिंगिंग होता है दैट इज वेरी सुदिंग वो बहुत ही लाइट है और क्लियर साउंड है दैट इज टिकल अगला वर्ड है ट्रम्पेट डेफिनेशन है प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली मैंने यहां इस फोटो में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फोटो क्यों लगाया हुआ है देखिए, जब भी आप ट्रम्पेट बजाते हैं द साउंड यू क्रिएट इज वेरी लाउड अगर आप फ्लूट बजा रहे हैं तो फ्लूट का साउंड जितना होगा वो अगर आप ट्रम्पेट बजाएंगे तो आपका साउंड बहुत ही लाउड होगा ठीक है फ्लूट इज लेस लाउड लाउड तो होगा फ्लूट अगर आप बताते हैं तो उसका साउंड आप सुन ही पाएंगे बट इट इज ए टिंकल बट जब आप ट्रम्पेड बजाएंगे तो वो उसका साउंड आपका बहुत ही लाउडर होगा ठीक है देरफोर अगर आप पूरा खुलम खुला किसी के सामने या फिर कुछ लोगों के सामने ये बता रहे हैं ये दावा कर रहे हैं कि ये चीज मेरा है इसको हाथ किसने लगाया सोचिए आपका एक नया नया बाइक खरीदा है आपने उसका सीट में किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया है आप इतने जोर से चिल्ला रहे हैं सभी के सामने किसने स्क्रैच किया ये गाड़ी मेरी है और इस पर स्क्रैच करने का हिम्मत किसका हुआ दैट इज ट्रम्पेट अगला वर्ड है द स्ट्राइकिंग ऑफ वन सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ और अगेंस्ट एनदर विथ डिग्री ऑफ फोर्स आप ड्रम बजा रहे हैं ठीक है ड्रम स्टिक्स ड्रम और ड्रम ठीक है आप ड्रम स्टिक से ही ड्रम बजाते हैं जब आप इसको इससे हिट करते हैं सो दैट इज़ दर्कर्सन या फिर कोई एक छह माले की बिल्डिंग से नीचे गिर गया वो जो क्रैश होता है हम उसको भी प्रकर्शन कहेंगे अगला वर्ड है वेट। डेफिनेशन है वॉक एफर्ट और अनदर लिक्विड और सब्सटेंस। बाकी छोड़िए आप अगर किसी दलदल में फंस गए हैं स्वाम आप कहीं गए हैं घूमने कैंपिंग करने और आप स्वप्न में घुस गए हैं तो आप जो धीरे-धीरे मतलब ताकत लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे दैट इज वेट अगला वर्ड है इंपेकेबल डेफिनेशन है इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और फोर्टलेस अभी आप पिज़्ज़ा मंगवाते हैं पिज़्ज़ा का डिलीवरी टाइम होता है 30 मिनट्स अगर वो आपके पास 20 मिनट्स में आ जाए देन दैट इज इम्पैकेबल दैट इज फ्लॉलेस वो हमेशा आप जितनी बार सोचिए आप फाइव टाइम्स मंगाएं दैट इज इम्पैकेबल दैट इज फ्लॉलेस विद आउट एनी फ्लॉ परफेक्टली आपके पास बीस मिनट में आके पहुंच जाता है आपका खाना अगला वर्ड है परफ्लेक्स डेफिनेशन है मेक फील कंप्लीटली बैफल्ड इसका अच्छा सा एग्जांपल है आप किसी स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर टेंथ स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा देंगे देन दिस गाय विल बी बैफल्ड या फिर दिस गाय विल बी परप्लेक्स्ड हम कंफ्यूज कर रहे हैं इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि अभी करूं क्या आप छह क्लास के एक बच्चे को टेंथ क्लास का मैथ दे रहे हैं वो तो कंफ्यूज होगा ही दैट इज परफेक्स होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय